ये देखो भाई लोग, ये आंटी का हालत बहुत ही खराब हो चुका है। 3000 सिर्फ चढ़ना बाकी है। ये प्लेस बहुत ही डेंजरस है, आप लोगों का कभी ना कभी मतलब जान जा सकता है। हेलो एंड गाइस, मैं रोबन, आप लोग देख रहे हैं लवलन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग दिखाएंगे राजस्थान का टेम्पल जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो इस मंदिर का नाम है बद्रीनाथ मंदिर, राजस्थान में स्थित है। तो ये मंदिर सीमल जैसे लगता है, जैसे मतलब राजा रानी का महल है। इस मंदिर का आसपास में बहुत सारा टेम्पल है, जो उसके अंदर बहुत सारा मूर्ति है। देखो घूमते घूमते तो चलो, सबको मतलब यार भूख लगता है, तो मेरे भी लग गया। तो पास में देखा भंडारा लग गया, तो मैंने मंदिर के पास में जो भंडारा है उधर मतलब बैठ गए। तो उधर में मतलब देखा मतलब बहुत सारे लोग बैठ के खा रहे, मैं भी बैठ गया। एकदम एकदम राधे 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 राधे। बस प्रसाद के अंदर था दूध का मलाई, उसके बाद आलू का तड़का, लोची और था मिठाई। तो देखो भाई लोग, राजस्थान के अंदर आके ना मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा है। और इधर में मतलब जितना भी मंदिर में जाए गए ना, उधर में मतलब प्रसाद मेरे को मिला है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ मतलब आप लोग भी मतलब राजस्थान घूमें और ढेर सारे मतलब यार मंदिर दर्शन करें। तो मंदिर के बाहर में आके देखा ताऊ लोग मतलब यार बीड़ी फूंक रहे। अरे तो कैरिबिनेटी का मतलब ताऊ है, इधर क्या कर रहा है भाई। बाजू में एक ट्री था, उसके मतलब यार नीचे में मतलब यार खोखले थे। मेरे को सोचा मतलब यार गाछ जिंदा कैसे अभी फिलहाल है, मेरे को समझ भी नहीं आया मतलब गाछ अभी तक मतलब जिंदा है। तुम लोग देखो ये दार। और इधर में हमारा सोखी जी क्या कर रहे हैं, पानी लेके थोड़ा खेल रहे हैं। और मेरा पीछे में जो है मेरा मम्मी है। तो भाई लोग हम लोग जिधर जा रहे हैं अभी फिलहाल, राजस्थान का केदारनाथ मंदिर है जो राजस्थान के अंदर ही आता है, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। मैंने सुना है मतलब स्वर्ग से मतलब यार शिव जी को एवरी डे कोई ना कोई देवता आके पूजा देता है, तो उधर ही जा रहे हैं हम। चलो घूम के आते। तो भाई लोग इधर में आके मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा है, मतलब मैं पहाड़ के ऊपर हूँ तो आसपास का नजारा बहुत ही खतरनाक है। अरे देखो इधर आंटी मतलब यार उसको आंटी को मतलब यार लेके जा रहा है बंदे लोग। तो इधर में जो लोग सीरी देख रहे हो ना, ये मतलब यार कितने सारे मेरे को नहीं जानते हूँ, मतलब यार सब लोग बोल रहे हैं 4000 के ऊपर सीरी है, तो 2-3 घंटे तो लगेगा, तो काम के अंदर लगे रहो। तो हम लोग यार चलते चलते बहुत सारे बंदे लोग ऐसे देखा है मतलब उसको उठा के लेके जा रहे हैं बंदे लोग। और इधर मेरा मम्मी बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश। तो मेरे को पहले ना लग रहे थे मतलब मैं दौड़ के चले जाऊंगा सेकंड के अंदर, बट अभी फिलहाल चलते चलते ना 1 घंटे हो चुका है ऑलरेडी और मेरा हालत बहुत ही खराब है। और मैं इधर मतलब बैठ के सुना हूँ अभी तक मतलब 3000 सीढ़ी मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद बाबा के दर्शन मिलेगा। और इधर बैठ बैठ के मेरा हालत बहुत ही बिगड़ गए भाई, मेरा हार्ट का हालत ही बहुत ही बिगड़ गए, क्योंकि यार मेरा हार्ट का हृदयस्पंदन थोड़ा थोड़ा धक धक कर रहा है भाई। मेरा हालत बहुत ख़राब हो चुका है उस टाइम में, और मैं क्या ही बताएंगे। तो मैं चलते चलते एक अंकल के साथ बात कर रहे थे, जो अंकल बहुत ही मस्त है। उदय भड़ाना नाम है, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। फरीदाबाद? फरीदाबाद। अच्छा अच्छा, मैं कोलकाता से आया हूँ। कोलकाता से? वेरी गुड। अरे उधर मतलब बांग्लादेश भी आए थे। अरे तो ये जो अंकल था ना बहुत ही बढ़िया लोग था, मेरे को बोल रहे तुम मेरे घर पे आके एक दिन ठहरना। तो सब लोग जाते हैं इस सीढ़ी से, मैं जाऊँगा उस दूसरा सीढ़ी से, थोड़ा डेंजर सीढ़ी है मतलब यार खतरनाक ज्यादा है। तो चलो यार खतरे का खिलाड़ी हूँ मैं। केदारनाथ में आके मैं घंटी बजा रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया लगा। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए केदारनाथ मंदिर में। और भैया बहुत सारा मतलब गुफा में चल के जाके उसके बाद बाबा के दर्शन लेके उधर बैठ के बाबा के साथ बहुत सारे बात किया है, बहुत सारे पूजा भी किया है उधर। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो मंदिर है ना गुफा के अंदर है, पहाड़ के ऊपर गुफा है उसके अंदर है। और बाबा के सामने बैठ के मैं थोड़ा फोटो शोटो करके वीडियो भी करके उधर बैठ बैठ के मतलब पूजा दे रहे थे, क्योंकि यार 3 घंटे से हम लोग यार पैदल चल रहे थे, बहुत ही कष्ट हो रहे थे हम लोगों को, बहुत सारे प्लेस में बैठ बैठ के इधर में आने पड़ रहा है मेरे को, बहुत कष्ट लगा है मेरे को।
तो कोई बात नहीं, बाबा के दर्शन मिल गए तो भैया कष्ट में भूल गई। और इधर में देख सकते हो कितने मतलब छोटी प्लेस के अंदर बाबा है। तो जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हो, तुम भी आना चाहते हो तो भैया आ जाओ। तो आप लोग तो देख चुके हो बाबा को, तो इधर में जो देख रहे हो मतलब यार ये है नंदी भगवान जो है शिव का वाहन। तो आसपास का नजारा बहुत ही बढ़िया है और नंद इतना बड़ा है भाई दिखा नहीं पाएंगे तो आप लोगों को। और इधर में देखो एक कुत्ता सो रहे भाई, ये तो मतलब शांत मौसम में। तो इधर में मतलब मैं वीडियो कर रहा हूँ और आसपास का लोग मेरे को देख रहे हैं यार। इधर के देखो यार थोड़ा कोई भी चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सो रहे। और इधर में लोग मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं भाई कौन सा ब्लॉगर आ चुका है इधर। और भैया मेरे को थोड़ा शर्म लग रहे थे, तो मैं क्या करेंगे भाई, मेरे को काम तो है। तो भैया हम लोग इधर में थे अभी, तो इधर से हम लोग अभी फिलहाल चले जाएंगे। थोड़ा मेरे को बुरा लग रहे थे क्योंकि यार इधर से मेरे को जाना पड़ेगा। और ये है नंदी भगवान, देख सकते हो मतलब नंदी भगवान का मतलब यार सिर कितना बड़ा है। और आसपास का मतलब यार देखो नज़ारा बहुत ही गजब का है। तो मेरे को इधर से जाना पड़ेगा अभी का अभी। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो फेसबुक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के अंदर इधर में सब कुछ दिया है, आप लोग फॉलो कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक है, कर देना भाई फॉलो कर देना। और इस वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। और कौन सी तरह का वीडियो आप लोग देखना चाहते हो मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताना। टाटा बाय बाय, आप लोग अच्छे रहना। वंदे मातरम।